अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबकी खैरियत की दुआ करती हूँ। आज बन रहा जी खाने में चने वाले चावल और मैंने कहा रेसिपी शेयर करते हैं। मैंने रखे हैं जी 3 से 4 अदद प्याज और आधा किलो चने हैं मेरे पास और तकरीबन जो से वो 1.5 किलो चावल है। चनों को मैंने बॉईल करके स्टीम कर लिया, ठीक है। और ये देखिए जी, ये है मेरे पास अदरक, ये तकरीबन मैंने 2 इंच के जो से 2 टुकड़े लिए हैं। और ये है लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट और ये रहा जी टमाटरों का पेस्ट। टमाटर जो से हैं वो 5 से 6 अदर टमाटर है, ठीक है। ये सब कुछ जाएगा चने वाले चावलों के अंदर। जो है जी चने वाले चावल उसका जो सा है प्याज में ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, बस लाइट ब्राउन करूँगी और फिर बनाएंगे चने वाले चावल। प्याज जो से मैं इतने ही ब्राउन करूँगी, ठीक है। अब इसके अंदर डालेंगे जी हम अदरक का पेस्ट, अब डालूंगी जी लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्चें जो सी थी वो 8 से 10 थी और जो लहसुन था वो उसके जवे हैं जी तकरीबन वो भी 8 से 10 थे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे साथ ही थोड़ी देर बाद टमाटर, तो टमाटर का मैंने पेस्ट बनाया हुआ ना वो इसमें ऐड करेंगे। लाइट जा चुकी है, रोशनी इसलिए कम है। इसमें टमाटरों का पेस्ट, टमाटर मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ कि 4 से 5 अदर टमाटर है। हल्का हल्का बस इसको भूनेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे जी बाकी मसाले जो से हैं वो ऐड करते हैं। ये देखिए जी, अब इसमें जाएगी काली मिर्च, लाल मिर्च और इसके अंदर है जी बड़ी इलायची, दालचीनी और तेज़पात, नमक और साथ में क्रश चिली है इसके अंदर और साथ जाएगा ज़ीरा। ये कि सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब जाएगी इसके अंदर साथ ही एक प्याज दही की। ये देखिए जी, अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम चने, क्योंकि चनों के साथ जो नमक मिर्च डाली है ना वो चनों के साथ ही भूनेंगे। चने मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे पास 1/2 kg चने ऐड करने लगी हूँ। और जो चनों का पानी मैंने स्टेन किया हुआ ना वो मैंने गिराया नहीं हुआ, वही चनों का पानी इसके अंदर जाएगा। इसमें ऐड करूँगी 3 हरी मिर्चें साबुत और अब ऐड करने लगी इसमें पानी। चावल जो उनसे वो 5 गिलास है और पानी ऐड करूंगी मैं इसमें तकरीबन 7 गिलास। तीन गिलास पानी था मेरे पास चनों का और 3 गिलास पानी का मैं दूसरा वाला ऐड करने लगी इसके अंदर। अब पानी को बॉयल आएगा तो फिर चावल डालेंगे इसके अंदर। करूंगी जी अचार, तकरीबन 2 चम्मच मैंने अचार के डाले इसके अंदर। अब मेरे पास मिक्स अचार है नेशनल का, मैं वो ऐड कर रही हूँ। फिर मैं डाल रही हूँ जो चावल ऐड करने लगी हूँ क्योंकि पानी पकना शुरू हो गया, अब इसमें चावल डालते हैं। चावल जो उनसे मैंने इसमें ऐड कर दिए, अब पानी खुशक होगा तो फिर हम जो है इसके अंदर दम लगाएंगे इसको। क्या जी, अब चावलों को देने लगे हैं दम, क्योंकि पानी जो उनसे सारा खुशक हो गया और अब इसको लगाते हैं दम, तो उसके बाद आपको दिखा। और चावलों के साथ में बना रही हूँ जी रायता, तो मैंने कहा रायते की रेसिपी शेयर करते हैं। ये तकरीबन 1.5 किलो दही लगा ले, किलो दही है उसके अंदर डाल रही मैं 1/2 किलो आलू। आलू पहले से छील के धो के बॉईल किए हुए हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी प्याज, प्याज 1 अदद है दरमियाने साइज का, उसको ब्रीक भी जो उनसे अंडे वाला प्याज काटा हुआ है। साथ में है जी 2 से 3 अदद 1 अदद टमाटर और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, उनको भी ब्रीक भी काटा हुआ है। अब इनको कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स और फिर इसमें ऐड करते हैं जी
हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें मिर्च का और एक चम्मच डालेंगे नमक का, एक चम्मच नमक ऐड करेंगे इसके अंदर। आलू में पहले मैंने नमक नहीं डाला हुआ, बॉईल करते हुए डालेंगे इसमें चाट मसाले का। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार आलू का रायता दोनों से वो रेडी है। अगर आपका दिल करता है तो इसके अंदर खीरा भी ऐड कर सकते हैं। हम लोगों ने इसमें खीरा नहीं ऐड किया, हमने सिंपल आलू का रायता बनाया। वह जी चावलों को दम, बस चावलों को दम आता है तो फिर दस्तखान लगाते हैं और खाना खाते हैं। जी आ गया दम, चावलों को आ गया दम और चावल जो नीचे हैं वो बहुत टेस्टी बने हैं। सिंपल चने वाले चावल जो उनसे हैं वो रेडी हैं और रायता मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। बनाए हैं चने वाले चावल और साथ में आलू का रायता। तो आज का खाना हमारा रेडी है। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।